लाहौरियों ने फ्रांस में पतंगबाजी का मुजाह करके तारीख रकम कर दी दो रोज़ तक जारी रहने वाले मुकाबलों में बरतानिया स्पेन और फ्रांस की टीमों ने पतंगबाज़ी का मुजाहरा किया गोरे भी आसमान में लहराती पतंगों को देख कर लुत्फानंदोज होते रहे फ्रांस में पेरिस काइट क्लब की जानब से दो रोज़ा पतंगबाजी के दोस्ताना मुकाबलों का इनकाद हुआ पतंगबाजी के इवेंट में बरतानिया स्पेन और पेरिस की टीमों ने भरपूर शिरकत की इवेंट का इनका फ्रांस बरतानिया बॉर्डर के करीबी इलाके कॉले में किया गया समंदर किनारे मनकद होने वाले इस इवेंट में बरतानवी टीम के 30 रुकनी और स्पेन काइट फ्लाइंग की टीम के 12 रुकनी पतंगबाज़ों ने शिरकत की और पतंगबाजी के शौक को चार चांद लगा दिए दो रोज तक जारी रहने वाले इस इवेंट में पतंगबाज़ों की जानिब से 300 सौ से जायद पेच लड़ाए गए इस दौरान आसमान रंग बिरंगी लहलाहाती पतंगों से मजीद खूबसूरत दिखाई दिया मकामी सयाह भी आसमान पर लहलाहाती पतंगों को देख कर लुत्फानदोज होते रहे पेरिस काइट क्लब की जानिब से बरतानिया और स्पेन की टीमों को ट्रॉफी से नवाजा गया जबकि शानदार खेल का मुजाहरा करने वाले पतंगबाजों को भी ट्रॉफीज पेश की गईं बरतानवी काइट क्लब की जानब से पेरिस काइट क्लब को जल्द दौरा बरतानिया की दावत भी दी गई जिसे पेरिस काइट क्लब ने कबूल किया बरतानिया और स्पेन से आई टीमों ने इवेंट को रिवायती अंदाज में ऑर्गेनाइज करने पर ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया पेरिस काइट क्लब के कप्तान साजिद और आतिफ चौधरी ने मेजबानी का मौका देने पर बरतानिया और स्पेन की टीमों का शुक्रिया अदा किया उनका कहना था कि जल्द बरतानिया और यूरोप की टीमों के कायदीन के साथ मिलकर एक कमेटी बनाएंगे ताकि हर साल जश्न बहारा का इनका करके बसंत के, के त्यौहार को मनाकर अपनी सकाफत को जिंदा रखा जा सके